इसके बारे में बताइए, किस तरह की ये फिल्म है जो हमने देखा, जैसे कि ट्रेलर में आप लोग एक गेस्ट को झेल रहे हो, बहुत बर्दाश्त कर रहे हो, बताइए उसके बारे में। जैसा कि आपने कहा, हम लोग इसमें एक गेस्ट को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कहानी होगी हमारी टॉलरेंस लेवल की, यू नो, एक परख जानने के लिए। आई थिंक वी पुट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन टू दिस, कि जो गेस्ट होते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है और जो रिसीव करते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आई वुड एक्चुअली आस्क पीपल टू गो एंड वॉच इट विद देयर फैमिलीज एंड विद देयर गेस्ट, क्योंकि आई थिंक दोनों साइड की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो हमने वो दिखाने की कोशिश करी है। जितना इसमें कॉमेडी लेवल हाई है, उतना ही इमोशनली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इट्स अ फिल्म दैट्स वेरी एंटरटेनिंग, उसकी गारंटी हम ले सकते हैं कि आप जब थिएटर से बाहर निकलोगे, यू विल एटलीस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। और जो 2 घंटे की पिक्चर है, यू नो, आप किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचोगे कि बोरियत हो रही है, बोरियत नहीं होगी। इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। ओके कार्तिक, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कितना बर्दाश्त किया है गेस्ट को? बर्दाश्त, हाँ, काफ़ी मेंटली बहुत बर्दाश्त किया, बहुत टायरिंग रहा है। काफ़ी गेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत इरिटेट कर जाते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते उनके साथ। रियल लाइफ में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ऐसे गेस्ट आए हैं घर पे जिनके साथ मुझे कुछ भी बात करने का भी मन नहीं होता कई बार, लेकिन आपको बैठना पड़ता है क्योंकि मम्मी ने बोला होता है कि बेटा आप इनका ख्याल रखिए, तो आप रहिए उनके साथ। एंड खाना उनकी पसंद का बन रहा होता है तो वो मुझे भी खाना पड़ता है जो मुझे नहीं खाना। अगर मुझे गोभी के पराठे नहीं खाने तो नहीं खाने, मेरे को नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि गेस्ट को पसंद है तो वो। तो वैसी सिचुएशंस काफ़ी आई हैं एंड उनसे टैकल करने में काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। एंड या मतलब फिल्म में वो चीज़ें बहुत दिखाई गई हैं इसमें। एंड काफ़ी रिलेटेबल फिल्म है, लोगों को काफ़ी रिलेट करेगी कि गेस्ट कैसे उनकी लाइफ में भी आते हैं। और हाँ यार, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार, मैं इसको भगा नहीं पाया था, बहुत सोचा था, तो वैसा बहुत रिलेटेबल फैक्टर है इस फिल्म के साथ अटैच। तो वो एक USP भी है इस फिल्म का। एंड लेट्स सी, नहीं तो लोगों को कहीं ना कहीं किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बचना है, ये गेस्ट से कैसे बचना है, कुछ देख के सीखने को मिलेगा उन्हें कुछ? काफ़ी गेस्ट आ गए यार, वैसे ऐसा ऐसा करो, फिल्म में तो ऐसा ऐसा हुआ था। देखिए, काफ़ी ऐसी चीज़ें कि इसमें जो गेस्ट के बारे में चीज़ें दिखा रहे हैं वो काफ़ी फ़नी वे में दिखा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें ये लोग काफ़ी आपको तंग तो कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में, लेकिन फ़नी तरीके से आप तंग हो रहे होते हो, वो इरिटेशन में एक फ़न है। तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है। आई डोंट थिंक, जैसे गेस्ट का बोला जाता है कि गेस्ट मेहमान की तरह होते हैं, वो मैक्सिमम मेहमान भगवान की तरह होते हैं, कुछ एक होते हैं जिसमें ऐसा सिचुएशन आ जाती है। एंड उनके लिए सिखाने के लिए तो नहीं, ये सिचुएशंस दिखा रहे हैं जिसमें हम फंस गए। एंड ये फिल्म एक अमेलगेशन है काफ़ी इमोशनल प्लस फनी सीन्स का, एंड जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा। तो वो जब एज अ फिल्म आती है तो आपको लगता है कि एक्चुअली मेहमान भगवान का रूप भी होते हैं। क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगी, आप कितना कंफर्टेबल थी अपने गेस्ट के सामने जो आज तक आए, जो रियल लाइफ में एंड रियल लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। रियल लाइफ में ऑनेस्टली मासियों वगैरह का चलता है, लाइक बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू देम, बट वो जो जब दूर के रिश्तेदार, वो मासी के नेबर टाइप, यू नो, कई बार आपके रिश्तेदार फ़ोन करके कहते हैं अच्छा सुनो वो आ रहे हैं बैंगलोर, ज़रा देख लेना। वो कोई तो उनके जैसे मासी होगी, उनके हस्बैंड के साइड के कोई दूर के रिश्तेदार होंगे तो कहेंगे वो बैंगलोर आ रहे हैं, ज़रा देख लेना। तो एक तो आप उनको डिनर पे इनवाइट करते हो। तो प्रॉब्लम विच आई फेस पर्सनली इज के यू नो आप क्या लाइक मेकिंग कॉन्वर्जेशन विद देम, लाइक कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं होते। और एक्टर बनने के बाद एक इशू ये हो गया था, वो अंदर घुसते पहले पूछते हैं तो बेटा और शूटिंग कैसी चल रही है, और कौन से एक्टर्स से मिली हो, पहला क्वेश्चन ये होगा आप सलमान से मिले हो। 2-3 लोग थोड़े ऐसे होते हैं कि आप उनसे आप उनको बाहर ले जाओ। मेरे साथ ये हो चुका है, लाइक आई हैव एंटर्ड अ रिलेटिव्स, दूर का रिलेटिव, आई हैव एंटर्ड हिज स्टोर, हम लोग कुछ फैब्रिक्स खरीदने गए थे और जानबूझ के, सो एवरीवन कैन हियर दैट ही नोज मी वेल, और बेटा क्या चल रहा है, शूटिंग एकदम बढ़िया चल रही है ना, अरे मैं तेरी शूट पे, लाइक जानबूझ के 10 बार उसमें शूट बोलेंगे या हीरो का नाम लेंगे या कुछ ना कुछ, ताकि वो ग्रैब कर सके वो अटेंशन। वो मुझे बहुत अनोइंग लगता है, इट हैपेंस, इट रियली डज, लाइक आके बनाएंगे इसको ना तेरे साथ, लाइक मेरी कज़न की शादी है, मैं जाके बाद
कर रही हूँ वो कोई दूर का रिश्तेदार आके बोलेगा अरे बेटा तुझे याद है मैं तुझसे तब मिली थी, और फिर आके मुझसे ऐसे मिलेंगे जैसे वो मुझे बहुत बरसों से जानते, फिर वो अपने फ्रेंड्स को लाएंगे अरे ये हमारा बच्चा है, मैंने कहा मुझे आपका नाम भी याद नहीं है, आप मुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सो आई थिंक एज एन एक्टर आई फेस दोज सिचुएशंस व्हिच आर वेरी अनोइंग। कहीं ना कहीं एक फैमिली से भी प्रेशर होता है कि अरे पापा बोलते हैं मम्मी बोलते हैं कि हाँ इस तरीके से आए हैं, इस तरीके से उनसे बात करो, ऐसा बोलो, ये गेस्ट को बुरा लगेगा, ये होगा। माई पेरेंट्स आर नॉट लाइक दैट, दे अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्पेस दैट आई नीड। मॉम डैड कहते हैं जो हमेशा से आपके साथ रहे हैं उनके साथ उतनी अक्ल मुझ में भी है कि हाउ आई हैव टू बी विद देम, बट वो जो रैंडम लोग आ जाते हैं ना सडनली आपके लाइफ में वापस कि अरे ये तो मेरी गोद में खेली है टाइप्स, जिनको मैंने सालों से नहीं देखा है, एंड हु जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ज़बरदस्ती है, मुझे वो टाइप के लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और मॉम डैड बिल्कुल नहीं एंटरटेन करते ना मैं करती हूँ। कार्तिक आपकी क्या मेमोरीज हैं गेस्ट के सामने, कुछ ऐसा याद है कुछ जो आपको याद हो? यार मेरे पापा बहुत वेलकमिंग है, वो किसी को भी घर पे ले आते हैं, वो मतलब दूर दूर से कोई नाता भी ना हो टाइप्स हो, पड़ोसी भी हो तो उसको भी अगर दो दिन के लिए घर पे रहना हो घर चेंज करने के लिए तो वो भी रह लेगा मेरे घर, ऐसा है। तो सिचुएशन बहुत वैसी रहती है, एंड अभी भी फेस करता हूँ कई बार मैं ही अपने घर पे जा रहा हूँ तो चार लोग और ऐसे बैठे होते हैं जैसे मैं किराए के मकान में आ गया हूँ तो वो पापा की आदत कभी बिगड़ी हुई है ही सुधर ही नहीं रही, तो ये सिचुएशंस काफ़ी रही हैं। काफ़ी मेरे ताऊजी हैं वो बहुत सॉरी बट ताऊजी आप बहुत कई बार इरिटेट कर देते हो वैसा है वो बिना बुलाए बहुत आते हैं कई बार, मतलब महीने में दो बार आ जाएं ऐसे गेस्ट हैं, एंड तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि साल में मैं 24 बार तो नहीं देख लेता हूँ अगर तो मम्मी पापा से ज़्यादा वो मुंबई भी आ जाते हैं, ग्वालियर भी आ जाते हैं, तो वो ना दोनों घर पे ऐसे राउंड लगाते हैं कि अभी एक महीना इधर पे आया अभी एक महीना उधर पे आया, तो वो सिचुएशन ही ऐसी लगती है कि मैं माँ बाप से ज़्यादा तो अपने ताऊजी को मिल रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा एक कई बार इरिटेटिंग सिचुएशंस है। एंड इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती रहती हैं यार, मतलब अनगिनत चीज़ें, जैसा फिल्म में ट्रिमर वाली सिचुएशन है वो मेरे ताऊजी के साथ हुआ है, उन्होंने मेरे कंधे के बाल अपने काट लिए थे मेरे ट्रिमर से, एंड वो मैं मतलब कभी भुला नहीं पाता क्योंकि वो कंधे के बाल ही दिखते हैं मुझे हमेशा कि ये मेरे ट्रिमर ने काटे थे, तो ये सिचुएशंस हुई हैं कई बार। ओके, जैसे कि फिल्म में आप आ रहे हैं और आप अनाए अपने करियर, तो आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके का कैरेक्टर है ये, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आर्यन का जो कैरेक्टर है बहुत स्वीट सा लवेबल सा कैरेक्टर है, ये लंदन में रहता है एंड लंदन में ये एक कंपनी में काम करता है, इसकी लाइफ में मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वो सॉर्ट आउट कर रहा है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, एंड सडनली उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है गेस्ट आ जाते हैं उसी टाइम पे, एंड कैसे वो चीज़ को वो सॉल्व कर रहा है कर नहीं पा रहा है वो पूरी अनफोल्ड होती है फिल्म के अंदर कहानी, बट ही इज़ समवेयर दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिससे सब रिलेट करते हैं, हम कई सिचुएशंस में कई चीज़ें नहीं बोल पाते हैं एंड रोक नहीं पाते, किसी को नो बोलना नहीं आता बेसिकली, वो वैसा सा कैरेक्टर है, तो ये चीज़ है उसके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? आई प्ले अनाया पटेल इन द फिल्म, शी इज़ बेस्ड इन लंदन, वो बचपन से उधर ही रही है, तो शी इज़ गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सेंट, वो जैसे बात करती है, गुजराती लड़की है, टैक्सी चलाती है, वेरी कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ हर सेल्फ, उसको बस एक है कि शी वॉन्ट्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ, शी डजंट नो द मीनिंग ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट कम्स टू हर, दैट्स मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स मेड अ वेरी इंडिपेंडेंट, तो उसको वो एक प्रॉपर लंदन की लड़की है जिसको अपनी स्पेस की एक आदत है और नो वन मेसेस विद हर काइंड ऑफ एटीट्यूड। ओके, जैसे कि आपने कहा कि आप गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, सो गुजराती कुछ टोन या कुछ आपने उन्होंने और सीखा कुछ? फाइनली इनफ जो चीज़ हमने नोटिस करी थी इन टर्म्स ऑफ एन एक्सेंट, जब आप हम लोग उधर गुरुद्वारे में जैसे शूट कर रहे थे एक दिन, तो वहाँ पे जब ये लोग पंजाबी में बात करते हैं तो ये लोग ठेठ पंजाबी में बात करते हैं, एंड वहाँ पे जब वो पंजाबी बोलते हैं उनमें एक्सेंट नहीं होता, ओनली व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश दे हैव एन एक्सेंट, तो आई थिंक वो एक चीज़ अश्विनी सर ने मेरे को बोली थी वो ध्यान में रखना कि जब आप हिंदी बोल रहे हो तो एक्सेंट नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदुस्तानी जो बाहर होते हैं वो हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत शुद्ध बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, तो कीप दैट इन माइंड, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑफकोर्स यू कैन हैव दैट लिटिल बिट ऑफ अ स्लैंग, तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना था। परेश जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे बहुत अच्छा था, अमेजिंग था, आई मीन वो वेटरन लेजेंडरी एक्टर है और उनके साथ काम करने से हमेशा आप सीखते हैं, मैं पर्सनली उनके बहुत ज़्यादा मतलब एकदम
दोस्ती यारी वाला मामला हो गया, एंड एक फिल्म से ज़्यादा हम लोग की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है आई थिंक. मतलब वो वैसे वाले हो गए कि 4 AM फ्रेंड जो होते हैं ना, कि कॉल करके मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ कि परेश जी ऐसा, परेश जी वैसा, ये वो, एंड ही विल बी देयर. सो यू नो वो एक वैसा बॉन्ड इस फिल्म से मेरा उनके साथ बना है, एंड बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं. शुरुआत से फर्स्ट डे से वो खुद ही मतलब फ्रेंड की तरह मेरे को उनने ट्रीट किया. नॉट दैट कि एक नया एक्टर आ गया है या फिर यू नो वैसे किसी तरह से ट्रीट नहीं किया, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट हिम. एंड तन्वी जी ऑल्सो, तन्वी जी अगेन बहुत सपोर्टिव आर्टिस्ट हैं, फनी है बहुत, उनके साथ टाइम पास करने में बहुत मज़ा आता है, कि चिल करने में बहुत मज़ा आता है सेट पे भी, ऑफ स्क्रीन भी. एंड या व्हाट एन एक्टर, मतलब इनकी तारीफ जितनी करो वो कम है. एंड जब भी वो लोग सीन कर रहे होते हैं तो आई थिंक मॉनिटर पे पीछे उनको देखना या रियल में उनको एक्ट करते हो देखने में आप सीखते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो. द एक्सपीरियंस वॉज एब्सोल्यूटली फैबुलस, क्योंकि दोनों ही बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं. जितनी परेश सर की ही इज़ वेरी, उन दोनों की जितनी तारीफ करो लाइक कार्तिक सेड कम है. बहुत ही फ्रेंडली हैं दोनों. तन्वी मैम के साथ एक मदरली बॉन्ड सा बन गया है बिकॉज ऑब्वियसली वी कनेक्टेड ऑन सो मेनी लेवल्स. और उनके साथ एक बहुत मज़ा आता है, वो कार्तिक की टांग खींचने में मज़ा आता है. हम दोनों मिलके कार्तिक की टांग ही खींचते रहते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है. और परेश जी अगेन इज़ अ वेरी फ्रेंडली लाइक वॉर्म पर्सन. तो ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट कम एंड शेक योर हैंड, इज़ एक्चुअली द काइंड ऑफ पर्सन हु विल मीट यू ऑन सेट एंड हग यू. तो एक वॉर्म थी उनके साथ और आज भी है. आई एम ग्लैड दैट बोथ ऑफ अस कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम सो ब्यूटिफुली, क्योंकि उसका आउटकम अब हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं. तो दे आर इम्पेकेबल. कार्तिक, कहीं ना कहीं इस फिल्म को अतिथि कब जाओगे उससे भी कनेक्ट किया जा रहा है, लोग उसको सिक्वेंस समझ रहे हैं या उसका दूसरा पार्ट समझ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने से एग्री करते हैं? देखिए, मैं अगेन वही बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म अलग है, ये फिल्म एक नई फिल्म है. ये डायरेक्टर सेम है जिन्होंने अतिथि तुम कब जाओगे बनाई थी, और गेस्ट इन लंदन इज़ अ न्यू फिल्म, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट. ओके, आप क्या कहना? क्योंकि फिल्म से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी से कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, तो इस फिल्म के साथ न्यूज जुड़ी हुई है, जैसे कि वार्नर ब्रदर्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर वो किया था, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? आई वुड लाइक टू थिंक दैट वी मेड अ फिल्म दैट डजंट नीड कॉन्ट्रोवर्सीज, फॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा ट्रेलर बहुत अच्छे से पिकअप हुआ है, लोगों को हमारा ट्रेलर बहुत पसंद आया. तो आई वुड लाइक टू लुक एट द पॉजिटिव ऑफ थिंग्स एंड नॉट द नेगेटिव, देयर इज नो पॉइंट. सेकेंडली, जो कॉन्ट्रोवर्सी थी वो ख़त्म हो चुकी है अब, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो आ फिल्म विल बी रिलीजिंग ऑन द 16th of June, एंड आई होप कि लोग जाके देखें और एंजॉय करें, क्योंकि जेन्यूनली एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनी है. तो आई एम श्योर दे विल हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. ओके, ज्यादा ज्यादा कहना चाहेंगे कि फिल्म में ज्यादातर आप लोग ने शूट लंदन में करा है, तो लंदन में आप लोग ने कितने मजे करे हैं और क्या मेमोरीज रही आपकी लंदन के अंदर? बहुत ही प्यारी मेमोरीज रही हैं. आई थिंक जब भी हमें हिंदुस्तान की याद आती थी तो वो हमें ब्रेड पकौड़े खिला देते थे. तो हम लोग जब लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर रात को शूट कर रहे थे, बहुत ठंडी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो ऐसे ही बोल दिया था यार पकौड़े खाने का मन कर रहा है, लाइक उस तरह का मौसम था. बट फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ब्लेस थे, हमारी प्रोडक्शन मेड श्योर कि सडनली वो लोग आए छत पर, ऊपर बस के ऊपर हम लोग शूट कर रहे थे, डबल ओपन टॉप बस पे, एंड दे गेव अस अ बिग कार्टन ऑफ ब्रेड पकौड़ा. तो सब ने वो आलू भरवा ब्रेड पकौड़े खाए थे उस दिन. यार मेरा फर्स्ट टाइम था लंदन में, एंड आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड था लंदन जाने के लिए, क्योंकि एक तो फ्री में मैं लंदन जाने को बोल रहा था, दूसरा फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में घूमना, ऊपर से सब लोग मतलब एक्टर्स के साथ घूमना, एक्टर्स के साथ काम करना, तो हर चीज़ में मैं बहुत एक्साइटेड था. यहाँ पे एक चीज़ बस ये थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब गया हूँ लंदन, तो यहाँ इंडियंस के साथ ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाला था वो भी इंडियन था, वहाँ से जो टिकट चेक कर रहा था वो भी इंडियन था, लंदन में जो हमारा टैक्सी वाला था वो भी इंडियन था, फिर जिस होटल में हम लोग गए तो वो होटल का ओनर भी इंडियन था, सारे इंडियंस दिख रहे थे. पहला दिन जो शूट था, लंदन में फील नहीं आ रहा था बिल्कुल लंदन वाला. नहीं, वो तो वही तो सुनिए ना, पहले दिन जो शूट कर रहे थे तो गुरुद्वारे में शूट कर रहे थे. तो दो दिन तक हमने शूट किया साउथ हॉल, साउथ हॉल में गुरुद्वारे में शूट किया. तो मुझे लगा ये तो एक्सपीरियंस ही अलग हो गया यार. मैंने तो कुछ और सोचा था, यहाँ अंग्रेज लोग होंगे या कुछ होगा, या तो इंडियंस ने पूरा कब्जा कर रखा है हम लोगों ने. एक्चुअली मेरे को दो दिन में बहुत डिप्रेशन में था कि मैं यार पहली बार यहाँ, हाँ सोचा कुछ हुआ कुछ. फिर तीसरे दिन से जब हमारी लोकेशंस वगैरह चेंज हुई, अच्छा यहाँ, फिर थोड़ा ऐसा लगा कि मैं बाहर आया हूँ,
और नए नए लोग देखने को, कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड. ओके, क्या कहना चाहेंगे आप लोग जाते जाते? हमारी पिक्चर गेस्ट इन लंदन रिलीज़ हो रही है. ये अच्छा रिलीज़ हो रही है 16th ऑफ जून को, एंड गेस्ट इन लंदन 16 जून को रिलीज़ हो रही है. फैमिली फिल्म है, क्लीन कॉमेडी है, और अच्छे से हंसाएंगे सबको एंड रुलाएंगे भी. बट प्लीज़ पैसे दे के आइएगा, थिएटर्स में आइएगा एंड डू वॉच अ मूवी, एंड इट्स अ लाफ राइट. एंड मतलब मैं कितना भी बोल दूँ कम है, कितना भी बोल दूँ कम ये ना पड़े कि आप पैसे दे के थिएटर में ना आए. गेस्ट समेत जाइएगा, गेस्ट समेत जाइएगा. प्लीज़ अपने साथ 2 या 4 या 40 गेस्ट लेके जाइएगा थिएटर में. And please do watch our movie, Guest in London. Yes. Thank you, Karthik, and thank you, Gaiti. Thank you. Thank you.